हेलो दोस्तों, क्या हाल है। देखो, आज मैं ऐसी चीज दिखाऊंगा आपको, ऐसी चीज दिखाऊंगा जो आपके होश उड़ जाएंगे। आप कहोगे, अजय भाई आज आपने क्या दिखा दिया भाई साहब। और सिर्फ इस एक चीज से, सिर्फ एक चीज से आपकी जो टाइमिंग है ना, ऊपर लेवल की हो जाएगी, ऊपर लेवल की। सोच नहीं सकते भाई साहब, बहुत गजब का ये जो उपाय है। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो समझ लो कुछ नहीं देखा मेरे चैनल पे, क्योंकि आज मैं लाइव दिखाऊंगा आपको वो चीज जिससे आपकी टाइमिंग एकदम ज्यादा हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा बकवास न करते हुए। देखो, सबसे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना या डिसलाइक कर देना, लाइक अच्छी ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बताते हैं क्या करना है आपको, क्या है ये चीज और किस तरह से आपको यूज करना है। देखो, मैं रास्ते में जा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था तो एक मोड़ आया और वहां पे मुझे ये धतूरे का पौधा खड़ा हुआ पाया। वाह, शायरी हो गई है। हाँ, तो ये धतूरे का पौधा खड़ा हुआ पाया। अब देख लो इसकी पहचान, ये है काला धतूरा। काला धतूरा कैसा होता है, इस तरह सा ये दिखाई दे रहा है, काला ऊपर ऊपर काला काला। देखो इसके इधर भी काला काला लग रहा होगा, इधर देखो, इधर देखो, ये काला काला लग रहा है। और हरा सफेद धतूरा कौन सा होता है, वो इस तरह का लगेगा। ये देखो, ये हरा हरा है, कहीं पे भी काला नहीं होगा इस तरह का। ये जो पत्ता है, इधर देखो, ये जो पत्ता हरा हरा है इस तरह का, हर जगह पे इसी तरह का होगा ये इस तरह का, ठीक है, कहीं भी काला काला नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों अब बताते हैं इसका क्या करना है। जुकाम हो गया भाई साहब, बहुत बुरा। हाँ तो अब बताते, देखो ये जो है, ये जो फल है, ये फल है इसका, और फल पे ये बीज लगे हुए हैं। ये देखो, ये इस तरह के बीज हैं इसमें, देखो आपको दिख रहे होंगे शायद, ये बीज हैं इसके, ठीक है, ये बीज हैं। इन बीजों में छुपा है आपकी मर्दाना ताकत का राज, इन बीजों में छुपा है आपकी टाइमिंग का राज, इन बीजों में छुपा है आपकी कमर तोड़ ताकत का इलाज। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस एक फल से अपनी टाइमिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आपको क्या करना है, देखो ये जो सूख गए हैं, ये फल हैं, ये काला धतूरा है, याद रखना ये काला धतूरा है, इसके फल जो है सूख गए हैं। इन फलों को आपको निकालना है, ठीक है, इनके बीजों को निकालना है, या पूरा पूरा इतना पूरा तोड़ लेना, इतना पूरा तोड़ लिया। ये तोड़ने के बाद इसको खलड़ में डाल के कूट लो, पीस लो, मिक्सी में डाल के पाउडर बना के तैयार कर लो, ठीक है। पाउडर बना के तैयार करने के बाद अब आपको क्या करना है, इतनी मात्रा में शहद इसमें मिलाना है जिससे गोलियां बनके तैयार हो जाए, छोटी छोटी चने के बराबर गोलियां, चने के बराबर और हाँ अब पूरी बात सुनना, वीडियो पूरा देखना। कई लोगों ने कहा है कि ये धतूरा है, ये खाएगा आदमी मर जाएगा, तो मुझे कोई कई लोगों ने उल्टा भी बोला, उल्टा भी कमेंट किया। तो उनसे मैं कहना चाहूंगा, बेवकूफों, समझ में नहीं आता तो मतलब एक बार में समझ नहीं आता, कितनी वीडियो बनाई, बदतमीज, कितने हरामखोर हैं यार, हमें ये समझ नहीं आ रही कितने बड़े हरामखोर हैं भाई साहब। इतनी बड़ी हरामखोरी हमने कहीं देखी नहीं, क्योंकि पूरा देखते नहीं, पिछली वीडियो जो डाली हमने उनमें पूरा डिटेल में बताया कि यार इतने में कोई नहीं मर जाता, इतना कितना खा लोगे आप, इतना खा लोगे, कितना इतना खा लोगे एक बार में, इतना 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 ही खा सकते हो। इसमें कितने बीज हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ, और इनको शुद्ध करके खा, नहीं, शुद्ध करके नहीं खाया जाता इनको। इनको शुद्ध कैसे, कि गाय के मूत्र में डाले जाते हैं एक दिन के लिए, 12 घंटे के लिए, लेकिन नहीं इनको डालना नहीं, अगर डाल दिया तो ये बेकार हो जाएंगे, इनको ऐसे ही यूज करना है। तो ज्यादा से ज्यादा आप 4-5 बीज इसके यूज कर सकते हो एक बार में, एक एक गोली में इतने ही बनेंगे तैयार हो गए, एक गोली में इतने ही बन के तैयार हो पाएंगे, ज्यादा तो हो नहीं पाएंगे। लेकिन कई लोग इतने बेवकूफ हैं, वो कमेंट करते हैं कि इससे खाने से तो आदमी मर जाए। हाँ, नहीं मरेगा नहीं। एक कहावत सुनिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, जाए खाए बोरा है और बाय पाए बोरा है। मतलब जाए खाए बोरा है, बोरा बोरा है, मतलब पागल हो जाता आदमी, मरता नहीं है, पागल हो जाता। अगर इलाज मिले तो
सही हो जाएगा। ज्यादा खा लिया तो मर सकता है, लेकिन मरेगा नहीं। 90% चांस रहते हैं नहीं मरने के, 10% चांस रहते हैं मरने के, ठीक है, जो नहीं झेल पाए। जैसे कि हम हैं, कुछ सेवन नहीं करते किसी चीज का, हमने ज्यादा खा लिया इसको तो मर सकता हूं, ठीक है। आप अगर कोई नशेड़ी शराब शराबी गंजेड़ी है, वो अगर इसके चार फल भी खा लेगा उसको भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, नशाई होगा, इससे नशा होता है ज्यादा। तो इसका जो फल है, अगर ये पूरा खा लिया तो ये घातक सिद्ध होता है हमारे शरीर के लिए, लेकिन हमने इसको औषधि के रूप में यूज करना है। इसके बीजों का, थोड़े थोड़े बीजों का शहद के साथ मिक्स करके गोली बना के उसको खाना है, उसको यूज करना है, तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। ये जहर नहीं है मेरे भाई, ये जहर है। बट अगर हम अब बताओ, संखिया जो होता है, संखिया जहर होता है, बिल्कुल प्योर जहर होता है, उसको भी हम बताओ दवाई में डाल के देते हैं आप लोगों को, वो भी आप खाते हो, मर तो कोई नहीं गया आज दिन तक, बताओ। और ये ऐसी 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 दवाइयों में डाला जाता है जिन दवाइयों का भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। जो दवाइयां आप खाओगे ना, उनका रिजल्ट तुरंत दिखाई देता है, जैसे बायग्राफ वगैरह का दिखाई देता है, वैसे संख्या का रिजल्ट दिखाई देता है, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये भी वैसा ही है, लेकिन इससे मरेगा कोई नहीं मेरे भाई, नहीं मरेगा। एक फल तोड़ लो, दो फल तोड़ लो, कूट पीस के पाउडर बना के उसमें शहद मिला के, और छोटी छोटी गोलियां, इतनी बड़ी बड़ी चने से थोड़ी बड़ी बड़ी गोलियां बना के तैयार कर लो। उन गोलियों को किस तरह से खाना है वो मैं आपको बता देता हूं। उन गोलियों को आपको रोजाना रात को सोते समय या संभोग करने के आधा घंटा पहले, अगर संभोग नहीं करना है तो रात को सोते समय, जब खाना पीना खाने के बाद सोते समय एक गोली खा ली, ऊपर से दूध पी लिया, ठीक है, या दो गोली खा, एक गोली से अगर कुछ ना हो तो दो गोली आप खा सकते हो, अपनी क्षमता अनुसार मैं बता रहा हूं, जिसकी जैसी क्षमता, जैसे जिसका शरीर है। तो दो गोली खा ली, ऊपर से दूध पी लिया, एक दो लीटर मत पियो, ज्यादा हो जाएगा, 250 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम ऐसा दूध पी लो, ठीक है। उसके बाद देखो भाई साहब, आपकी जो टाइमिंग है बहुत जबरदस्त हो जाएगी। कम से कम मान के चलो, अगर दो गोलियां आपने खा ली तो टाइमिंग आपकी कम से कम, ये शरीर में एक मादक माने नशा सा पैदा कर देता है, जिससे जो शरीर होता है वो वीरपात नहीं होने देता। ये इसमें ऐसे गुण हैं जो शरीर को वीरपात होने से बचाते हैं, ठीक है। अब आप समझ जाओ, मैं ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बता सकता आज, जो इतनी डिटेल में मैंने बताया है, इतनी डिटेल में मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया था, ना ही दिखाया था। ये धतूरे का फल है, इसको आपको निकालना है, कूटना है, फोड़ना है, पीसना है, मिलाना है, गोली बना के तैयार करके रात को खानी है। आप दिन में भी यूज कर सकते हो, रोज सुबह को खाली खाली पेट दूध के साथ, ठीक है। तो बस यही था, और इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसके कितने कितने क्या क्या फायदे हैं वो भी है। इसके पत्ते गंदे हो गए हैं, और हाँ एक बार और, या वीडियो छोड़ के मत भज जाइयो ना, तो फिर का फायदा, बेकार बट्टे मजा ना आए। वीडियो छोड़ के मत भज जाना, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं, फिर समझ ही नहीं पाओगे क्या हुआ, ठीक है। तो ये अभी मिल जाएगा, अभी जस्ट अभी जो मौसम चल रहा है ना, अभी एकदम हर जगह मिलेगा आपको। तो गाड़ी से कहीं जा रहे हो तो इधर उधर देखते हुए जाया करो, सड़कों पे आराम से मिल जाता है, मिल जाए निकाल के ले आओ। मैं भी आज लेकर आया हूँ, कम से कम आधी गाड़ी भर के ले आया, अपनी ईको में आधी गाड़ी में वो सारे उखाड़ के बाहर लाया, अब उनको निकाल के रख लूंगा और आराम से यूज करूंगा दवाई में, बस बात खत्म। तो ऐसे है, आप भी यूज करो ऐसे, किसी को मंगाना है तो मंगा लेना, मैं भेज दूंगा आपको, अगर नहीं मिलते हैं तो, जैसे कोई कहीं ज्यादा दूर रहता नहीं मिलते उधर, कहीं कुछ ऐसी जगह है नहीं मिलते, तो भाई बस इतना ही है उपाय। अब चलता हूँ, ये औषधि बहुत अच्छी है आपके लिए, अगर आप यूज करेंगे तो आपको लाभ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, 8-9 मिनट मैंने बोल दिया, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, घर वालों का, नमस्कार।